फ्रेंड्स, चलिए हम आपके लिए फिर से एक और नए डिजाइन का डोरमेट लेकर आए हैं जो बनाने में बिल्कुल आसान है। जिसके लिए मैंने यहाँ पे दो कलर लिए हुए हैं, ऑरेंज और वाइट। आप अपनी पसंद का कोई भी इसमें कलर ले सकते हैं और इसे पुरानी चुन्नी और साड़ी से भी बना सकते हैं। ये बनाने में बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। हम आपको शुरू से ही बताएंगे किस तरह से हमने बनाना है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो चलिए हम आपको शुरू से ही बताते हैं किस तरह से हमने बनाया है। हम इसमें कुछ पत्तियां बना चुके हैं और हम आपको शुरू से ही बताएंगे। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 9 नंबर सिलाई ली हुई है और 22 फंदे मैंने डाले हुए हैं। आपको जितना बड़ा चाहिए आप उस हिसाब से इसमें फंदे डाल सकते हैं। 20 फंदे मैंने ऑरेंज कलर से डाले हुए हैं और 2 फंदे मैंने वाइट कलर से। इसी तरह से मैंने शुरुआत में भी इसी तरह से 2 फंदे वाइट के और 20 फंदे ऑरेंज कलर के इस तरह से मैंने डाले हुए हैं। तो एक सिलाई हमने यहाँ पे बना ली है, फंदे डाल के उसी तरह से हमने एक सिलाई बनानी है। उसके बाद इसका डिजाइन हमने बनाना है, ये किस तरह से हमने साथ साथ में लैस लगाई हुई है। तो चलिए हमने यहाँ पे फंदे डाल के एक सिलाई बना ली है। तो देखिए मैं आपको ये शुरू से ही बता रही हूँ। ये देखिए बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ, जिनको नहीं भी आता है वो भी इसे बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने फंदा वाइट वाला पहला फंदा हमने उतार लिया है और दूसरे फंदे पे हमने यहाँ पे इस तरह से फंदा बढ़ाना है। ये देखिए तो यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ा लिया है, यानी कि 3 फंदे हो चुके हैं। पीछे धागा और ऑरेंज कलर को हम आगे लाएंगे, आगे के फंदे हम सभी को उल्टा बनाएंगे। ये देखिए बस यहाँ पे हमने फंदा बढ़ाना है, बाकी के 20 फंदे हमने ये इसी तरह से बनाने हैं और लास्ट के 2 फंदे मैंने छोड़ने हैं। ये देखिए इसे आप पुरानी चुन्नी और साड़ी से भी बना सकते हैं और इसे आप डोरमेट की जगह भी यूज कर सकते हैं, थालपोस की जगह भी आप इसको यूज कर सकते हैं, टेबल मैट। ये देखिए तो यहाँ पे हमने 2 फंदे बगैर बुने छोड़ दिए हैं यहाँ पे और हम यहीं से वापस हो जाएंगे। ये देखिए उल्टी सिलाई को फंदा उतार के इस तरह से बना लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये हमारा थालपोस आपको कैसा लगा? किसी भी तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल आसान है ये। इस धागे को हम इस तरह से पकड़ेंगे और वाइट से हम 3 फंदे बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए अब फिर से ये देखिए पहला फंदा हमने उतारा और धागा हमने आगे कर लिया और दूसरे फंदे पे हमने फंदा बढ़ाना है इस तरह से। एक फंदा हम बढ़ा चुके हैं, पीछे हम धागा करेंगे, दोबारा से इसी में से हम बना के दूसरा फंदा बढ़ा लेंगे, आगे धागा करके इस फंदे को उल्टा बनाएंगे, जो फंदे पड़ते हुए जाएंगे। और पीछे धागा कर दिया है वाइट का और इस तरह से हम ये देखिए और लास्ट के हम 2 फंदे बगैर बुने छोड़ेंगे। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे हमने फिर से 2 फंदे छोड़ दिए, तो यानी कि 4 फंदे छोड़ चुके हैं दो दो करके। और उल्टी सिलाई को हम फंदा उतार के इस तरह से उल्टा बना लेंगे। तो यहाँ पे हम वाइट कलर के 9 फंदे बढ़ाएंगे और यहाँ पे हमने 20 फंदे छोड़ने हैं दो दो करके इस तरह से।
दो दो करके मुझे 20 फंदे दो दो इस तरह से छोड़ने हैं, जो मैं आपको ये दो दो करके 4 फंदे यहाँ पे छोड़ चुकी हूँ। ये देखिए, इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और वाइट को इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पे हम फिर से उसी तरह से, देखिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ, पहला फंदा हमने उतार लिया और धागा हमने इस तरह से आगे कर लिया और यहाँ पे हम एक फंदा ये बढ़ा चुके हैं, पीछे हम धागा करेंगे, फिर से हमने एक फंदा बढ़ा लिया है। ये देखिए, आगे धागा करके जो बढ़ते हुए फंदे जाएंगे उनको हम उल्टा बना लेंगे इस तरह से, पीछे धागा और ऑरेंज कलर को आगे लाएंगे। तो यहाँ पे हम 3 फंदे बढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पे हम 9 फंदे बढ़ा लेंगे और 20 फंदे दो दो करके ये सभी फंदों को छोड़ देंगे और यहाँ पे हमने 9 फंदे बढ़ाने हैं। तो चलिए हम बनाते हैं इसी तरह से और फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने दो दो करके 20 फंदे छोड़ दिए हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए दो दो करके मैंने 20 फंदे छोड़ दिए और 9 फंदे मैंने यहाँ पे बढ़ा लिए हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे 9 फंदों को किस तरह से बंद करूँगी। ये देखिए, यहाँ पे हमने एक वापस सिलाई में डाला, दो वापस सिलाई में डाला, 3 वापस सिलाई में डाल के दूसरा फंदा लेके, 4 5 6 7 8 9 दो फंदे हमने डाले थे तो 2 फंदे ही बच गए हैं और 9 फंदे हमने यहाँ पे घटा दिए हैं। और हम यहीं से, ये देखिए ये 20 फंदे मैंने दो दो करके छोड़े हुए हैं, तो 9 फंदे हमने यहाँ पे घटा दिए हैं और हम यहीं से इस तरह से वापस हो जाएंगे। ये देखिए, और 2 फंदों को हम बना लेंगे। ये देखिए, तो 22 फंदे ही रह गए हैं, सभी फंदे हम छोड़ चुके हैं। अब ये देखिए दोबारा हमने किस तरह से बनाना है। दोबारा हम इसी तरह से 9 फंदे यहाँ पे बढ़ाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, फिर से हमने 9 फंदे बढ़ाने हैं और ऑरेंज कलर को आगे लाएंगे और जिस तरह से 2-2 फंदे छोड़े हैं उसी तरह से हम 2-2 फंदे हर बार छोड़े हुए फंदों को लेते हुए जाएंगे और यहीं से हमने वापस होना है। ये देखिए, जिस तरह से छोड़े हैं फंदे उसी तरह हम 9 फंदे बढ़ाएंगे और 2-2 करके ये सभी फंदों को हम बना लेंगे। ये देखिए, पहला फंदा उतारा और धागा आगे करके यहाँ पे एक फंदा फिर से बढ़ा लिया। तो यहाँ पे हम पीछे धागा करेंगे। ये देखिए, फिर से हमने 2 फंदे बनाए और यहीं से हम वापस हो गए। इसी तरह से हम बनाएंगे इसको। 9 फंदे यहाँ पे हम बढ़ा लेते हैं। फिर से हम 9 फंदे यहाँ पे बढ़ा लेते हैं और सभी फंदों को हम 2-2 करके जिस तरह से छोड़े हैं उसी तरह हम बना लेते हैं। ये देखिए, पीछे धागा, ये देखिए, यहाँ पे हम फिर से जो छोड़े हुए फंदे हैं 2 फंदे बनाएंगे और यहीं से हम वापस हो जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे फिर से 9 फंदे बढ़ाते हैं और सभी फंदों को यहाँ पे बना लेते हैं, आपको फिर दिखाते हैं। मैंने यहाँ पे, ये देखिए, 9 फंदे बढ़ा लिए हैं और सभी फंदे देखिए हमने 2-2 करके बना लिए हैं सभी फंदे। ये देखिए, मैं लास्ट के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, तो लास्ट के भी 2 फंदे ये छोड़े हुए, इनको भी हम बना लेते हैं।
और 9 फंदे यहाँ पे बढ़ चुके हैं। उल्टी सिलाई को हम यहाँ से उल्टा ही बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल आसान है और बनने के बाद काफ़ी सुंदर लगता है। किसी भी कलर में आप इसको बना सकती हैं, जो भी कलर आपको पसंद है। तो देखिए यहाँ पे हमने सभी फंदे बना लिए हैं, 20 फंदे, और 9 फंदे हमारे जो बड़े हुए हैं वो फंदे हम वाइट से बना लेते हैं। इसी तरह से हमने ये डोरमेट कंप्लीट किया है। ये देखिए तो छोड़े हुए फंदे सभी बना लिए हैं और 9 फंदे फिर से हमने बढ़ा लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 9 फंदों को बंद कर देते हैं इसी तरह से फिर से। ये देखिए 2 फंदे वाइट के रहने देंगे, सभी फंदों को, 9 फंदे जो बढ़ाए हैं सभी को हम बंद कर देंगे यहाँ से। ये देखिए ये देखिए तो देखिए हमने 9 फंदे यहाँ पे बंद कर दिए हैं और हम एक सिलाई इसी तरह से बना के उल्टी तरफ से सभी फंदों को बंद कर देते हैं। ये देखिए जब हमने दूसरी पत्ती को बनाना होगा तो इसी तरह से हमने बनानी है, फिर से हमने 9 फंदे बढ़ाने हैं और 2-2 फंदे फिर से छोड़ने हैं, 9 फंदे फिर बढ़ाने हैं, 2-2 फंदे जो छोड़े हैं वो सभी को बनाते हुए जाना है। तो चलिए हम यहाँ पे फंदे घटा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डोरमेट बन के कम्प्लीट है, ये देखिए, और सभी फंदे हमने घटा दिए हैं और इसी धागे से हम यहाँ पे ये देखिए इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो अंदर की हमारी 6 पत्तियाँ बन गई हैं, इसमें पता नहीं चल रहा है, ये देखिए इस तरह से। और हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वाइट कलर की बना रही है। इसको उल्टा करते हुए हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे डोरमेट सिल के कम्प्लीट है। अगर आप इसमें ऑरेंज कलर की क्रोशिया से लेस लगाना चाहते हैं तो ये भी लगा सकते हैं। अगर इस तरह से आपने रखना है तो आप इस तरह से भी इसको रख सकते हैं। तो चलिए हम चारों तरफ इसके क्रोशिया से लेस लगाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं ऑरेंज कलर की। देखिए फ्रेंड्स हमने चारों तरफ क्रोशिया से ऑरेंज कलर की लेस लगा ली है। अगर आप इसको साथ में भी लगाना चाहते हैं तो साथ में भी आप इसे सिलाइयों से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर और काफ़ी सुंदर बन के हमारा ये थालपोस डोरमेट, जो भी आप इसको बोलें, बन के कम्प्लीट है। तो आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।